ग्वालियर के मार्शपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां रहने वाले लोगों को एक मकान से जोरदार बदबू आई। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को यहां एक साथ फांसी के फंदे पर लटका मिला। जांच पड़ताल में मृतक युवक की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय खत्री के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के सबको फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि जांच पड़ताल में पता लगा है कि मृतक के पिता की कुछ समय पूर्व मौत हो चुकी है और तब से वह डिप्रेशन में था। मृतक के हाथ बंधे होने के कारण मामला संदिग्ध हो गया था। फिलहाल मृतक के सबको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया है और पीएम रिपोर्ट में ही पता लगेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है। महाराजपुरा थाने के डीडी नगर क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय खत्री ने आत्महत्या का उनका शव जो है फांसी पर लटकी सूचना प्राप्त होने पर महाराजपुरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मौके पर जाके देखा तो मृतक का रूम अंदर से लॉक था और जब अंदर जाके निरीक्षण किया तो मृतक फांसी लगाकर आत्महत्या करना हाथ दोनों मृतक के दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। तो इस संबंध में मर कायम कर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चूँकि लाश 7-8 दिन पुरानी होना प्रतीत होती है, काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी और मृतक के परिजनों से बातचीत करने पर ये बात सामने आई है कि वो उनका कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था तो संभवतः उसने आत्महत्या की है। फिर भी स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु किस कारण से हुई। हाँ, मृतक के हाथ बंधे, रस्सी ढीली थी तो संभवतः मृतक ने अपने हाथ बांधे हों फिर फंदे पर लटका हो। प्रथम दृष्टया तो जो परिजनों का भी आशंका है और जो सभी जो साक्षी हैं उनसे पूछताछ पर तो डिप्रेशन वाली बात सामने आ रही है।